जय श्री स्वामीनारायण। SSGM स्कूल CBSE रन्स बाय श्री सहजानंद गुरुकुल मानकुआ हार्डली वेलकम्स यू ऑल टू दिस ऑनलाइन एजुकेशन। आई एम ज्योति भानुशाली एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेवन स्टैंडर्ड्स SSGS जियोग्राफी सेकेंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्टेड एज आई टोल्ड यू इन आवर last videos that keep your notebook, your pen, pencil, everything with you, okay? And what I will write on this board, you will have to write it in your notebooks. Okay, so dear students, first of all, have you seen onion? Yes, I repeat my question. Have you seen onion? Yes, very good. You all have seen onion in your daily lives, okay? So, what have you noticed? Yes, very good. There are several layers in onion, right? Yes, now you question that here our subject is inside the earth and I am talking about the onion. Right? So, dear students, exactly like the onion, our earth also has several layers. Yes. Let's see the interior of the earth. Okay. So, the interior of the earth has several layers. Yes, exactly. So let's see, it is the continental mass, and the continental mass is 35 kilometer from the this is the crust, and from the 5 kilometer from the oceans. So the earth surface, see, here is a earth and this is its surface. So this is called the crust. Okay, this is the thinnest layer of the earth, which is 35 kilometer from the continental mass and the 5 kilometer from the oceans. Now for the continental mass, it is called the CL. Yes, CL. CL. Why CL? Because it is made up of silica and aluminium. And for the oceans, it is called the SEMA. Yes, I repeat, SEMA. Why SEMA? Because this layer on the oceans is made up of silica and magnesium. Okay? So for continental mass, it is called CL, and for oceans mass, it is called the SEMA. Okay? CL means silica and aluminium, and SEMA means silica and magnesium. Okay, dear students, now let's see about the rocks and the minerals. Now you have seen several types of rocks. Okay, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पत्थर देखे होंगे, जब भी आप कहीं पे खेलने जाते हो तब भी आपको पत्थर तो दिखते ही है, राइट? जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में कहीं पे आपने देखा हो कि कोई बिल्डिंग बन रही है, या फिर कोई हम ऐसे कि जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं, यस, गेम ऑफ सेवन स्टोन्स, फाइव स्टोन्स, ओके, तो ये सारे जो गेम्स हैं तो उनके लिए भी हम पत्थर का यूज करते हैं,
या फिर अगर हमें कोई बिल्डिंग्स बनानी है तो उसमें भी पत्थर का मतलब कि स्टोन का यूज होता है. सो रॉक्स आर रॉक्स हैज सेवरल यूजेस फॉर अस. सो हियर रॉक्स एंड मिनरल्स. So dear students, there are three types of rocks are there. First one is igneous rocks. रॉक्स जो हैं, तो उनके नाम से ही हमें पता चलता है कि वो एक अग्नि के द्वारा बने हुए पत्थर हैं, ओके, इग्नियस रॉक्स. हियर स्टूडेंट्स, जबकि आपने कई बार ऐसे न्यूज़ में देखा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा कि कहीं किसी जगह पे लावा जो है तो वो बाहर आया है, ओके, काफी ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे लावा देखने को मिलता है, मैग्मा देखने को मिलता है, जिसको हम ज्वालामुखी भी बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, जब वो जो ज्वालामुखी होता है, लावा होता है, ओके, जब वो ठंडा होता है, व्हेन इट्स कूल डाउन, तो तब उसमें से जो पत्थर बनते हैं उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर देयर. फर्स्ट वन इज एक्सट्रूसिव. यस, राइट इट डाउन. Extrusive and intrusive. Now students, what is extrusive igneous rocks? तो extrusive igneous rocks वो है जो कि लावा जब जमीन से बाहर निकलता है और जमीन का जो कि हमने देखा कि जो फर्स्ट जो अर्थ का क्रस्ट जो है, ओके, फर्स्ट लेयर जो है, तो जब लावा जमीन से बाहर निकल के कहीं पे कूल डाउन होके और उसमें से पत्थर जो बनते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एंड जब लावा जो है तो वो अर्थ की इनर जो पार्ट है वहीं पे ठंडा होके जो पत्थर बनते हैं तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ओके, द सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स. नाउ स्टूडेंट, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है तो वो इग्नियस रॉक्स जो होते हैं तो उसी में से ही बनते हैं. जबकि विंड या फिर कहीं पे लैंडस्लाइड होता है तो उस दौरान ये जो इग्नियस रॉक्स जो है तो वो छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड स्टूडेंट्स, the third and the last form of the rocks is metamorphic rocks. Now here students, igneous rocks and sedimentary rocks, they changes into the metamorphic rocks. Now here students, here are some examples of the monuments which made up of some rocks. जैसे कि आप देखिए कि आपको आपकी बुक में एक पिक्चर दिया गया है, विच इज ऑफ रेड फोर्ट एंड द
ताजमहल, ओके, ऑन द पेज नंबर 9। जैसे कि हम देखें तो हमारा जो जो रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट है वो पूरा रेड है, वो रेड पत्थर से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है, ओके। इट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, ओके। विच कलर? रेड कलर, यस, वेरी गुड। एंड वेदर द ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट इज अ चेन विच फॉर्म द रॉक्स। सो लेट्स सी द चेन, ओके। आई एम गोइंग टू रब दिस। सो द चेन इज, फर्स्ट वन इज मैग्मा, राइट? फ्रॉम मैग्मा इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। Rocks, sedimentary rocks are formed. From sedimentary rocks, metamorphic rocks are formed. Students, this is the chain, how these three types of rocks are formed. So first of all, magma, lava, or you called it Jwalamukhi. Jwalamukhi mein se igneous rocks banenge, okay? Igneous rocks mein se sedimentary rocks banenge, which are of sand. And sedimentary rocks or igneous rocks, in mein se kya banenge? Metamorphic rocks. Okay students, so here your second chapter inside our earth is completed. And now if you have any query according to this video or to this chapter, so put it in a comment box. Join Microsoft Teams meeting for your doubt solution, and please like, share and subscribe the video and this channel also, okay? And we'll meet in the next video. Till then, Jai Shri Swaminarayan.